अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका हर्बलिस्ट किंग मोहम्मद फयाज, मुशफा हर्बल क्लिनिक लाहौर। उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि यरकान क्या है, इसका तिबी इलाज क्या है, हेपेटाइटिस क्यों होता है, इसके हवाले से बात करेंगे। तो टॉपिक की जानब जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से डेली अपडेट मिलती रहे। घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें, घंटी का बटन है उसको प्रेस करें लाजमी, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँची रहे। बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, माजरत मैंने आपका टाइम लिया। अभी आते हैं टॉपिक की जानब। तो मैं बताता चलूँ कि जो यरकान है, यरकान की मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं। अगर उसकी वैल्यू कम हो तो उसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं, उससे थोड़ी ज़्यादा हो बी आ जाता है, उससे ज़्यादा वो वैल्यू हेपेटाइटिस एक वॉल्यूम, एक इसकी वॉल्यूम का नाम है। जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो हेपेटाइटिस सी होता है। तो LFT, ALT, ASLD टेस्ट में इनकी वैल्यूज़ का पता चल जाता है आसानी से। तो जिन लोगों का ALFT, ASLD, ALT ज़्यादा आता है तो उनको हेपेटाइटिस का मसला हो सकता है, यरकान का मसला हो सकता है। तो जिगर की जो हेपेटाइटिस की अलामत हैं, इसमें तीन होती हैं कि जिगर का सिकुड़ना, जिगर का फैल जाना, जिगर पे चर्बी जा जाना, जिसको फैटी लिवर बोलते हैं। तो जो मैं अभी नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो फैटी लिवर हो, चाहे वो जिगर का सोखड़ा हो, जिगर का फैलना हो, उसके हवाले से बेहतरीन नुस्खा है। तो मैं एक और चीज आपको साथ बता दूं कि जो यरकान है, हेपेटाइटिस है, जो आजकल हमारे पाकिस्तान और इंडिया में हो रही है, वो पानी की वजह से हो रही है। फिल्टर पानी जो लोग नहीं पीते उनमें हेपेटाइटिस की शिकायत ज़्यादा है, इसलिए हमेशा साफ पानी पिए। और एक और बता दो, हेपेटाइटिस उन हजरात को होता है जो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चटपटी चीज़ें बाजारी खाने खाते हैं, उनके जिगर में गर्मी आ जाती है, सोख पड़ जाता है। तो इसलिए बाजारी खानों से इज्तनाब करें, हमेशा घर का खाना खाएँ और हमेशा पानी फिल्टर पिए। अगर फिल्टर आपके पास नहीं है, सूरत नहीं है, तो आप पानी को बॉइल करके आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अभी मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, एक बेहतरीन नुस्खा है, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, इसमें काफ़ी इफेक्टिव है। कलमी शोरा आपने लेना है 2 तोला, बंद कोल लेना है 2 तोला। ये दोनों चीज़ें किसी भी हर्बल स्टोर से आपको आसानी से मिल सकती हैं। आप इन दोनों को पीस लेना है, मिक्स कर लेना है। एक छोटी चपटी आपने सुबह खाली पेट और एक शाम को खाने के 2 घंटे बाद खट्टी लस्सी ले लेनी। तो ये कम से कम आपने 45 दिन करना है। 45 दिन बाद रिपोर्ट करवा लें, इंशाल्लाह जो ALT FLT रिपोर्ट है वो नॉर्मल आएगी अल्लाह के फजल से। जिगर की गर्मी ख़त्म होएगी और जिगर में खून पैदा करने की सलाहियत भी होगी। जिगर की ये खुद सुधे भी बोलता है, आँखों और दिल की पिलाहट को भी ख़त्म करता है। तो जब आँखों और दिल की पिलाहट खत्म हो गई, समझ लें कि आपका हेपेटाइटिस गया है, उसका वायरस दब गया है, मतलब कि वो ख़त्म हो गया है। तो इसलिए हमेशा आँखों का जब भी कलर चेंज हो तो हमें फ़ौरन ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। आँखों के अगर जो डोरे हैं उसमें रेड कलर के निशान ज़्यादा हैं तो फिर भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की तरफ एक साइन है। आंखों में पिलाहट है वो हेपेटाइटिस की तरफ साइन है। आंखें बिल्कुल सफ़ेद भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद होती हैं उसको 99% फॉलिज और लकवा हो सकता है। आंखें हल्की वेटिश टाइप हों तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए आप ही अपने डॉक्टर को देखें, क्योंकि मैं सीधी बातें करता हूँ,
इंसान बीमार तब होता है जब उसका खून रुकना शुरू हो जाए जिसम में, बट जब ब्लड की सर्कुलेशन ना हो, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाए, या गर्म चीज ज्यादा खा रहे हैं एपेटाइट्स हो जाएगी, ज्यादा ठंडी चीज खा रहे हैं फॉलेज लगवा हो जाएगा। इसलिए एतदाल में रहना चाहिए, ठंडी भी खाएं गर्म भी खाएं। मतलब आपने गोश्त खाया है तो अगले दिन कद्दू लाजमी खाएं, 2 दिन कद्दू खाए हैं तो 2 दिन दाल जरूर खाएं, 2 दिन टिक्के खाए हैं तो फिर 2 दिन आगे सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, सिगरेट पीते हैं तो दूध का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि आपका जिगर खराब ना हो, फेफड़े खराब ना हो, वो दूध सिगरेट की खुश्की को दूर कर देता है। तो इसलिए लिहाजा एक अच्छी लाइफ गुजारें, किसी एक चीज की तरफ मत जाएं। एक बंदे को समोसे पसंद है तो वो समोसों की तरफ ही जाएगा, लिहाजा समोसे नहीं खाने चाहिए। अगर खा लिए हैं तो उससे उसके 1 घंटे बाद दही लाजमी खाएं। दही बल्ले खाने के आप शौक रखते हैं तो फिर आप कद्दू का जूस लाजमी पिए। मतलब कि ये जो तिब है, जो हिकमत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुई है। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जैतून का तेल पीते थे तो 3 घंटे बाद कद्दू खाते थे, लौकी का इस्तेमाल करते थे, खजूरें खाते थे, उसके साथ तरबूज का इस्तेमाल करते थे। मतलब कोई ठंडी चीज के साथ गर्म खाते थे, गर्म के साथ ठंडी खाते थे। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। उनके जो पसंदीदा गजाएं थी हमारे हजूर की, उन गजाओं को अपनी जिंदगी में लेके आए। तो इंशाल्लाह मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, आप कभी बीमार नहीं होंगे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गजाओं में शहद, लौकी, जैतून का तेल, कद्दू, सिरका, सिरका अंगूरी, ये और भी बड़ी चीजें हैं। आप ये बुक्स लें मार्केट से, उसको स्टडी करें तो इंशाल्लाह उन चीज़ों को अपनाएं। हम उन चीज़ों से दूर हैं, इस वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। तो बाकी जिनका ELT FLT लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, वो अपनी कोर्स सेंड करके मुझसे तिब्बी मशवरा ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। जिनको वीडियो पसंद आई है वो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिले, मैं आप लोगों की खिदमत करता रहूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।